तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की में हम बात करेंगे जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पास में PS20 का सब्जेक्ट है और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। सभी के एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में वाले हैं और वो अपने एग्ज़ाम की डेट शीट देखने के बाद में बहुत ज़्यादा कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे 2023 का जो इग्नू की वेबसाइट पे लेटेस्ट क्रम आ गया। इससे पहले जो आपके उन 2024 में भी एग्ज़ाम हुए थे, जो भी स्टूडेंट्स से हमें तो उनकी वीडियोस भी हमने अपलोड कर दी थी। ये इग्नू की वेबसाइट पे सबसे लेटेस्ट अभी फ़िलहाल के लिए है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जो बच्चे दिसंबर 2024 वाले हैं, तो अपने पेपर को कैसा पेपर आता है और क्वेश्चन आप सभी के आपको प्रिपेयर करने। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। आई होप आपको बहुत पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट का नाम है या फिर पश्चिमी राजनीतिक में आपको प्लेटो से लेकर मार्क्स तक। ये पेपर की बात करें तो 2 घंटे, मार्क्स की बात करें तो 50 नंबर का ये। अगर हम पेपर की बात करें तो आपके टोटल पेपर की 2 सेक्शन बटे आएंगे, हर सेक्शन से। और क्वेश्चन आप 2 घंटे का ही पेपर है और 50 नंबर का पेपर है, इसीलिए आपको कोई ज़्यादा नहीं लिखना, ओवर राइटिंग नहीं। आप लोगों का टाइम 5 क्वेश्चन करने हैं तो 10x5 आप इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक ये डिफरेंट कैसे। राजनीतिक चिंतन यानी पॉलिटिकल जो थॉट है और पॉलिटिकल थ्योरी है वो डिफरेंट राजनीतिक दर्शन से कैसे। राजनीतिक दर्शन बेसिकली ये किसी न किसी एक फिलोसफर का हो सकता है, जैसे आपका प्लेटो है, मार्क्स है, ये एक राजनीतिक दर्शन है। और ये इनके द्वारा अलग अलग कोटेशन दी गई है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई अपने विचार दिए गए। और राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या है कि एक विषय दे रखे, जो जो अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए अपने अपने। और राजनीतिक चिंतन का मतलब यह है उस पर्टिकुलर विषय की क्या अवधारणा है, उसका व्यापक पर्टिकुलर फिलोसफर जो है सिर्फ उसकी सोच आती है, राजनीतिक चिंतन है। जब राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं, एक टॉपिक तो वही है लेकिन उस पर अलग अलग विचारकों के उसको मिलाकर हम राजनीतिक। नेक्स्ट है प्लेटो के न्याय, आप लोगों ने नहीं आप इसको देख सकते हैं। और नई जो आप सभी के लिए क्लासेस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की चली गई है, तो उसके अंदर अलग अलग टॉपिक के सारे कवर करवाए जा रहे हैं। बाकी पहले से भी हमने रखे, तो न्याय संबंधित बारे में हमने आप लोग देख सकते हैं। अगला है राज्य संपत्ति और दास पर वेस्टिंग, इसके बारे में भी आप लोग को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीति तथा सरकार के स्वरूप पर निकोलस मैकियावेली। निकोलस मैकियावेली जो है सरकार के बारे में क्या किसी बात है, सरकार को निरंकुश बनाने की बात, लेवियाथन की बात करते हैं। और साथ ही साथ में कहते हैं कि सरकार के पास में ही सारे अधिकार होने चाहिए, सरकार समाज के अंदर वो सारी की सारी व्यवस्था कराएगी। तो निकोलस इसके बारे में भी मैं लोगों को करा, अगर आप लोगों ने आप इसको वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में बाबा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है मानव प्रकृति पर हॉब्स के विचार बताने, ह्यूमन नेचर पर क्या करना है हॉब्स के विचार। उन्होंने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये भी हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है। अगला है फ्रांस की क्रांति पर एडम बर्ग पर क्या विचारक है, और वे फ्रांसीसी क्रांति के क्या विचार हैं उनके बारे में बताना। अगला क्वेश्चन है इम्यूनल कांट जो है उनके राजनीतिक लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है क्या में ये विचार बहुत बार आते हैं। इससे पहले आप बहुत बार आपसे पेपर, अगला 3 क्वेश्चन और रह गए हैं जो आपसे भी आधुनिक राज्य पर बोली के विचार वाला भी इम्पोर्टेंट।
जेएस मिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेएस मिल का आपको पक्का दिखेगा। किसी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्या बात की आपको पता है, जेएस मिल वो विचारक थे जो पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करी, मानव के अगर अधिकारों की प्राकृतिक अधिकारों की बात करी, अधिकारों में ताकू की बात पति और जो बिना अच्छा जीवन नहीं, और कार्ल मार्क्स से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म आया वो अलगाव का सिद्धांत आ जाए, ये का सिद्धांत आ जाए, कोई सा भी सिद्धांत आ जाए, ये क्वेश्चन आपको देख। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल थॉट्स को पहले पढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों को एक सजेस्ट करूँगा, आप लोग पता है क्या कीजिए, अगर आप इस पेपर में, क्योंकि पेपर में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान पेपर आता है ये वाला, सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट में से एक, और आगे आपकी नेट टैरफ की बहुत ज़्यादा काम देगा, तो उसके लिए पहले आप क्या करो, अलग अलग आइडियोलॉजी के जो विचारक है, जैसे आप मार्क्स हो गए, आपके टेम्बर्ग हो गए, मिल हो गए, हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, एट हो गए, अरस्तू हो गए, इन सबको पहले लिखो क्या क्या आपको पढ़ना, क्योंकि आपके पास टाइम है, इसको कैटेगराइज करो, इसको कैटेगराइज करो, और इसके साथ साथ पहले इनकी नहीं पढ़ो, फिर इसके बाद में इनकी समसंग अपने वीडियो रखा है, और फिर अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे पढ़ने से क्या होगा, आपको रटना नहीं, तो अगर आप याद करने बैठ गए ना तो आप कभी कभी भी कंप्लीट, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग एक ही टॉपिक के ऊपर विचार दे रखे, आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको ये, इसके अलावा इसमें एक दो चीज़ और है आप सभी के जो को याद रखना है, एक दो चीज़ें और भी हैं जो आप लोगों को जरूर करना है, इसके अंदर एग्जाम में जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सबसे पहली बात तो प्ले लिस्ट को देखिए आप, और इसके साथ आपको एक और है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो एग्जाम्स के लिए आपको फायदे, इसके अलावा आप अपने खुद के कर सकते हैं लेक्चर्स को देखकर, और साथ ही साथ में प्रीवियस यही आप लोगों के लिए वीडियो चाहे हो